एक मुल्क है जिसे सबसे ज़्यादा अपने हथियारों की चिंता है, इतनी ज़्यादा कि अपने यहाँ बसने वाले इंसानों की चिंता नहीं। एक मुल्क है जो कर्ज़े की रकम लौटाते लौटाते कमज़ोर हो गया है और जो रकम बचती है उसे आतंकवाद के प्रायोजन में खर्च कर देता है, और फिर रकम बचती ही नहीं तो उसके लोग भूखों मरते हैं या बीमारी से मरते हैं। एक मुल्क है जो इन सब के बावजूद पूरी दुनिया को आंखें दिखाकर कहता है खैरात दो और ज़्यादा दो। एक मुल्क है जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बुरी तरह नाकाम हो रहा है और जिसके लिए वहाँ के सियासतदान भी ज़िम्मेदार हैं और कठमुल्ले भी। ये मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कोरोना का क्या हाल है तफसील से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप का ग्लोबल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी देख रहे हैं। और दुनियादारी में सबसे पहले सुर्खियां। पहली सुर्खी अमेरिका से। 11 अप्रैल को ट्रंप ने एक ऐलान किया, ये उन देशों के लिए था जो अमेरिका में रह रहे अपने नागरिकों को वापस अपने वतन नहीं लौटने दे रहे। ट्रंप ने कहा कि इन देशों पर अमेरिका वीज़ा प्रतिबंध लगाएगा। ट्रंप प्रशासन ने इसके लिए 7 दिन की मियाद दी। ये ऐलान भारत को भी परेशानी में डालता है क्योंकि कोरोना के चलते फिलहाल भारत ने विदेश से आने वाले किसी भी शख्स के देश में आने पर पाबंदी लगाई हुई है। फिर खबर आती है कि भारत सरकार की इस मामले पर ट्रंप प्रशासन से बात हो रही है, बात नहीं बनती तो आने वाले समय में भारतीयों को मिलने वाले अमरीकी वीज़ा में कटौती हो सकती है। वैसे अमरीका से एक खबर और है कि वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया बोला। किस बात के लिए? क्योंकि हमने अपने फार्मा सेक्टर में जो कुछ प्रतिबंध लगा रखे थे उनमें रियायतें दी ताकि अमेरिका समेत कई ज़रूरतमंद मुल्कों को ज़रूरी दवाइयां भेजी जा सकें जो भारत में बनी हैं। दूसरी खबर है चीन से। चीन को डर है कि कोरोना के कारण कहीं उससे नफरत न करने लगे दुनिया, उसके नागरिकों के साथ दुनिया में बुरा सलूक ना हो। लेकिन यही चीन और इसी चीन के नागरिक कोरोना के नाम पर अफ्रीका के लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। खबरें आ रही हैं कि चीन में मकान मालिक अफ्रीकी मूल के लोगों को घर से निकाल रहे हैं, होटल वाले उन्हें कमरा नहीं दे रहे। ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन खबरों से अफ्रीकी देशों में काफ़ी नाराज़गी है चीन के लिए और चीन का दोहरा रवैया भी सामने आ रहा है। तीसरी सुर्खी ईरान से है। यहाँ राष्ट्रपति हसन रूहानी ने दुकानों और कारोबारियों को काम दोबारा शुरू करने को कहा। प्रांतों के भीतर यात्रा प्रतिबंध भी हटा लिए गए। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदे भी ढीले हो गए। ऐसे में अब जानकार कह रहे हैं कि सरकार ईरान को कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में झोंक रही है। सरकार के आगे पहले से ही खराब अर्थव्यवस्था को कोरोना से पहुंची चोट से उबारने की चुनौती है, लेकिन साथ साथ कोरोना फिर से जोर न पकड़े ये भी देखना ज़रूरी है। फिलहाल वहाँ आधिकारिक रूप से 71,000 से ज़्यादा कोरोना केसेज हैं। कुल 4,500 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है, लेकिन इस आंकड़े पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज भरोसा भी कम कर रही हैं। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। मार्च की 10, 11 और 12 तारीख लाहौर के बाहरी हिस्से में तबलीगी जमात का एक बड़ा सम्मेलन होना था। देश विदेश से इसमें लाखों लोग आने थे। इस प्रोग्राम से संक्रमण का खतरा बढ़ने का अंदेशा था। ऐसे में अधिकारियों ने कोशिश की और सम्मेलन टल गया, मगर तब तक 1.5 लाख से ज़्यादा लोग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच चुके थे। साथ रुके, साथ खाया पिया, साथ वक्त बिताया। तबलीगी का ये प्रोग्राम वायरस की आबादी बढ़ाने के लिहाज से काफ़ी उपजाऊ रहा। सिंध, खैबर पख्तूनवा, लाहौर, बलूचिस्तान, बल्कि पाकिस्तान के बाहर किर्गिस्तान और फिलिस्तीन जैसे देशों में भी विस्तार हुआ। पाकिस्तान में कोरोना के एक्सपेंशन को समझने के लिए तबलीग का ये प्रोग्राम एक केस स्टडी है। दो चीज़ें हाईलाइट होती हैं इससे, एक धर्मगुरुओं की मूर्खता और दूसरा प्रशासन की नाकामी। इन दोनों के बूते आज पाकिस्तान में कोरोना के मामले 5,500 हो गए हैं। संक्रमण की ये संख्या कई लोगों के मुताबिक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी असली संख्या बहुत बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में कोरोना से क्या स्थिति है, वहाँ क्या हुआ बीते कुछ दिनों में, आज बड़ी खबर में इस पर विस्तार से बात करेंगे। पाकिस्तान पर तकरीबन 8,46,569 करोड़ भारतीय रुपए का विदेशी कर्ज है। इतनी बड़ी संख्या है शायद समझ में ना आई हो। यूँ समझ लीजिए कि जितना बिल गेट्स के पास पैसा है लगभग उतना कर्जा है पाकिस्तान पर। उसके बजट का सबसे बड़ा हिस्सा इसी कर्ज का ब्याज चुकाने में जाता है। ऐसे में कोरोना से निपटने में जो पैसा खर्च होना है वो कहाँ से आए, और लॉकडाउन की वजह से जो आर्थिक नुकसान होगा
उसकी भरपाई कैसे होगी? यही सवाल प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी पूछा अमरीका और ब्रिटेन जैसे बड़े देशों और संयुक्त राष्ट्र से, कहा हमको मदद दो। इसके जवाब में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF और विश्व बैंक ने मदद का ऐलान भी किया। इमरान खान को ये मदद भी कम लग रही है, मगर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कम से कम 61,000 करोड़ रुपए की मदद चाहिए। ये कितनी बड़ी रकम है, यूं समझिए कि भारत के इस बरस के कुल हेल्थ बजट से थोड़ी ही कम। सही बात है, पैसा तो चाहिए, लेकिन क्या कोरोना के आगे पाकिस्तान की खराब हालत के पीछे बस पैसे की कमी ही जिम्मेदार है? जवाब है नहीं। कैसे, समझिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा प्रांत में एक शहर है मर्दान। यहाँ रहने वाले सादत खान तीर्थ के लिए सऊदी गए, लौटे तो गांव में बड़ा भोज किया। कुछ दिन बीते और सादत खान गुजर गए। आधिकारिक रिकॉर्ड में उनके नाम के आगे लिखा गया पाकिस्तान की पहली कोरोना मौत। 26 फरवरी को पाकिस्तान में मिले कोरोना के पहले केस के बाद ये पहली कोरोना मौत थी। इसके बाद सादत के गांव में दर्जनों लोग संक्रमित मिले। कायदे से तो इसके बाद इमरान सरकार को सतर्क हो जाना चाहिए था। उनके सामने पड़ोसी ईरान का उदाहरण था जहां पर फरवरी से ही स्थिति खराब थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनसे लॉकडाउन की अपील होती रही, लेकिन वो अर्थव्यवस्था का तकाजा देते हुए लोगों से काम पर जाने को कहते रहे। ऐसे में राज्यों ने एक्ट किया। कैसे किया? 2010 में 18वां संविधान संशोधन पारित हुआ पाकिस्तान में। इसने जो राज्य की सरकारें थी, प्रांतीय सरकारें, उनकी आज़ादी और स्वायत्तता बढ़ाई थी। कोरोना से निपटने के लिए इन प्रांतों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। सिंध, गिलगित बाल्टिस्तान, बलूचिस्तान और पंजाब, इन सब ने लॉकडाउन लगा दिया, लेकिन आबादी, पाकिस्तान की जनता, लॉकडाउन मानने को राजी नहीं थी। भीड़ कई जगह मिलकर पुलिस वालों को पीट रही थी। इसमें ज़्यादातर वो थे जो नमाज के लिए मस्जिदों में इकट्ठा होने पर गुस्सा होते थे, अगर उससे रोका जाए तो गुस्सा होते थे। ऐसे वक्त में दखल देना पड़ा उसको जो हमेशा दखल देती है, पाकिस्तान के सिविलियन मामलों में, सेना। पाकिस्तान की सेना ने इमरान खान सरकार की अनदेखी की और लॉकडाउन लागू करवाने लगी। अब तक क्या हुआ है, दुनिया में लाख से ऊपर मौतें हो चुकी हैं, लेकिन कुछ मूढ़ धर्मगुरुओं को फिर भी समझ नहीं आ रहा। वो लोगों से कह रहे हैं ऊपर वाला बचाएगा। पाकिस्तान में भी ऐसे मूर्ख धर्मगुरुओं और मौलवियों की भरमार है। उन्होंने अपीलें जारी की, कहा अगर जुमे की नमाज के लिए मस्जिद ना पहुंचे तो ऊपर वाले का कहर टूटेगा तुम पर। ऐसे मौलवी पाकिस्तान की, बल्कि किसी भी देश या समाज की, ऐसे जो मूर्ख धर्मगुरु हैं अलग अलग धर्मों के, सबसे बड़ी दिक्कत होते हैं। खास तौर पर इसलिए कि वहाँ धर्म और राजनीति पाकिस्तान के केस में इतनी मिला दी गई है कि कट्टर धर्मपंथी पाकिस्तान को चलाने लग गए हैं। ऐसे में अब एकाएक वो काबू में कैसे आ सकते हैं? दूसरी दिक्कत है खुद इमरान खान। उनकी लापरवाही की एक और मिसाल देखिए। पाकिस्तान की लंबी सीमा लगती है ईरान से। हजारों पाकिस्तानी, खासतौर पर शिया, तीर्थ के लिए ईरान जाते हैं। चीन के बाहर कोरोना का पहला बड़ा एपिसेंटर क्या था? ईरान। ऐसे में पाकिस्तान ने ईरान से सटी सीमा को देर सवेर बंद किया, लेकिन लोग फिर भी ईरान आते जाते रहे, कभी सुरक्षा कर्मियों को रिश्वत देकर, कभी अफगानिस्तान के रास्ते। फिर संक्रमण के मामले बढ़ने लगे तो पाकिस्तान ने ईरान से सटे बलूचिस्तान के हिस्से वाले ताफ्तान शहर में कैंप बनाए, या ईरान से लौटे लोगों को क्वारंटीन करना शुरू किया। स्थिति क्या थी इन कैंप्स की? अल जजीरा और गार्जियन ने ताफ्तान के इस क्वारंटीन कैंप पर डिटेल में रिपोर्ट की। बताया कि कैंप में हद दर्जे की गंदगी है, लोगों को सही से खाना तक नहीं मिल रहा, ना कोरोना जांच ठीक से हो रही है, ना संक्रमित लोगों को अलग रखा जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि जिनको कोरोना नहीं है वो इस कैंप में रहकर संक्रमित हो सकते हैं, हो रहे हैं। फिर क्या हुआ? बदहाली से नाराज लोगों ने कैंप में आग लगा दी ताकि भाग सकें। ये कैंप आगे चलकर कोरोना फैलाने का जरिया बना। यहाँ से निकले दर्जनों लोग संक्रमित पाए गए, उनके रास्ते आगे कईयों में संक्रमण फैला। पाकिस्तान कितना पिछड़ा है हेल्थ के मामले में, इसे सिर्फ कोरोना की नज़र से मत देखें। पोलियो, जी दो बूंद जिंदगी की, हमने पोलियो पर फतेह हासिल की। पाकिस्तान दुनिया के उन 3 देशों में है जहां पोलियो अब भी बाधा बना हुआ है, अब भी मौजूद है, और यहां पर भी धर्मगुरुओं की मूर्खता एक वजह थी जिन्होंने लोगों में ये प्रचार प्रसार किया कि पोलियो की ड्रॉप नहीं पीनी चाहिए। ये एक तस्वीर है, ये एक नज़ीर है पाकिस्तान के बदहाल स्वास्थ्य तंत्र की, और कोरोना के सामने इसकी स्थिति और ख़राब हो गई। NYT यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स, इसकी एक रिपोर्ट में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में सरकारी अस्पताल के और डॉक्टर और नर्स पहले से ही अपने पैसों से मास्क खरीदते आए हैं।
और अभी कोरोना के चक्कर में मास्क और दस्ताने महंगे हो गए, ऐसे में उन पर आर्थिक वजन बढ़ गया है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि PIMS की इमरजेंसी रूम, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनको लगभग 32,000 रुपये तनख्वाह मिलती है और रिपोर्ट में बताया गया कि 5,000 रुपये मास्क खरीदने में खर्च हो जाते हैं। मास्क इतनी बड़ी लग्जरी है पाकिस्तान में डॉक्टरों के लिए, तो बाकी जो प्रोटेक्टिव चीज़ें हैं PPE के तहत जो आती हैं उनके बारे में कल्पना की जा सकती है। ऐसा नहीं कि भारत समेत दुनिया के बाकी देशों में डॉक्टरों को सारे सेफ्टी गियर मिल रहे हैं, हमको भी दिक्कत हो रही है इन सेफ्टी गियर्स में, लेकिन एक चीज़ है जो कहीं और नहीं हो रही पाकिस्तान में, वहाँ पर डॉक्टर मास्क मांग रहे हैं तो पुलिस उनकी पिटाई कर रही है जी। और वर्ल्ड बैंक वो क्या कह रहा है कि पाकिस्तान में प्रति 1,000 की आबादी पर 0.6 बिस्तर हैं अस्पतालों में, और ये तब है जब पाकिस्तान अपनी GDP का 3.5% डिफेंस पर खर्च करता है, सुरक्षा पर खर्च करता है, सरहदों की हिफाजत के नाम पर। खराब इकॉनमी है, इसके बावजूद जब 2019-20 का रक्षा बजट पेश हुआ पाकिस्तान का, तो उसमें पिछले साल के मुकाबले 23 अरब रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। और आपको पता है इस पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंसिया ने कैसे रिपोर्ट किया? डॉन अखबार ने लिखा, पिछले कई वर्षों में डिफेंस बजट के अंदर इतनी कम वृद्धि नहीं हुई, यानी ये वृद्धि कम है और इस पर चिंता होनी चाहिए उनके हिसाब से। रुपयों की तंगी वाली पाकिस्तान की इमरान सरकार, उसकी पिछली सारी तंगियों को इस फैक्ट से जोड़कर देखना चाहिए। इमरान खान से पूछा जाना चाहिए कि आर्थिक स्थिति इतनी बुरी है तो सरकार की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए? इकॉनमी दुरुस्त करना, लोगों की बेहतरी करना, या अफगानिस्तान और भारत जैसे पड़ोसी देशों में आतंकवाद की सप्लाई करना, युद्ध का वातावरण बनाना। एक उदाहरण देता हूँ वहाँ के नागरिक का। कराची का एक सुरक्षा गार्ड, उससे जर्मन अखबार डॉयचे वेले ने पूछा, क्या स्थिति है? तो आपको पता है गार्ड का क्या जवाब था? क्या कर सकते हैं कोरोना का, जान तो दिल का दौरा पड़ने से भी जा सकती है, मौत तो आनी ही है एक दिन, कभी भी आ सकती है। सुरक्षा गार्ड अकेला नहीं है, कईयों को खुद को ऐसे ही नियति के भरोसे छोड़ना पड़ रहा है, और मूर्ताएं इसमें उनका साथ भी दे रही हैं, चाहे मस्जिद में नमाज पढ़ने पर अड़े लोग हों या बेबस दिहाड़ी मजदूर जिनके आगे मुश्किलें हैं कि काम नहीं किया तो खाएंगे क्या। तो एक तरफ धार्मिक रूप से अंधे लोग हैं और दूसरी तरफ मजबूर लोग। कुल मिलाकर पाकिस्तान में आबादी का एक बड़ा हिस्सा कोरोना को लेकर ज़्यादा सावधान नहीं है। इमरान खान लंबे समय तक कहते रहे कोरोना केस और बढ़ेंगे, मगर आपने घबराना नहीं है। एक और परेशान करने वाली बात उभरी है इन सब बयानों के बीच, पाकिस्तान में कोई भी सख्त कदम उठाने का मादा बस आर्मी के पास है, लोग आखिरकार सेना की ही सुनते हैं। इमरान की सिविलियन गवर्नमेंट भी सेना की ही सुनती है, ये उसकी नाकामी भी है, पर फिर कई लोग कहते हैं कि इमरान तो बने भी सेना की बदौलत ही है। जब तक खाकी की इस तरह से पाकिस्तान के नागरिक और नागरिक तंत्र चाकरी करते रहेंगे, तब तक हथियारों की रेलम पेल चलती रहेगी, क्योंकि खाकी का कारोबार उसी के इर्द गिर्द घूमता है, और तब तक पाकिस्तान के नागरिक बुनियादी सुविधाओं के लिए यूं ही तरसते रहेंगे। हमारे भारत में बड़ा चलन है पाकिस्तान से तुलना का, पाकिस्तान भेजने का, किसी को पाकिस्तानी कहने का। हम हिंदुस्तानियों को हमेशा पाकिस्तान से ये ज़रूरी सबक सीखना चाहिए। पाकिस्तान जहाँ पर डेमोक्रेसी लोकतंत्र एक फेल हो चुका आइडिया है और इसीलिए बार बार तख्ता पलट होता है, पाकिस्तान जहाँ पर धार्मिक कट्टरपंथियों की खूब सुनी जाती है, भारत को पाकिस्तान नहीं बनना है। भारत को किसी भी किस्म के धार्मिक कट्टरपंथ को जगह नहीं देनी है, और भारत को अपने नागरिकों का हाल सुनना है, उनकी तारीफें भी उनकी आलोचनाएं भी, तभी डेमोक्रेसी पर हमारा दावा मजबूत होगा। ये था दुनियादारी का आज का एपिसोड। बीते दिनों पाकिस्तान में मुस्तैदी बढ़ी है, सरकार ने राहत पैकेज भी निकाला है, लेकिन ये कोशिशें काफ़ी नहीं हैं। पूरी दुनिया को चिंता है कि कहीं कोरोना का पाकिस्तान बड़ा एपिसेंटर न बन जाए, और ऐसे में हमें लगता है कि इमरान खान जो विदेशी मदद मांगने में तत्परता दिखा रहे हैं, वही तत्परता अपने देश और सरकार की प्राथमिकताएँ दुरुस्त करने में दिखाएँ तो बेहतर होगा। गरीबी एक वाजिब वजह नहीं है ना लड़ने की, क्योंकि हमने दुनियादारी में आपको वियतनाम का उदाहरण देकर समझाया है कि संसाधन कम हो तो कैसे क्वारंटीन का रास्ता अपनाकर सख्ती के साथ कोई सरकार कोरोना से जूझ सकती है।